with devils. I'm a rebel. Big city goth bitch, I got several. Bitch, I fuck with devils. Phir hai Sunita, phir hai Rakesh Chopper 07. उसके बाद है सीधे नीचे जाते हैं अपन तो PSG ऋतिक, PSG जश, तो एक नंबर बनता है इसके अंदर। तो भाई जो भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, वेलकम टू द सीम। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से लाइक मार के सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, देख लिया इन्होंने, क्या बात है, एक नंबर। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, जल्दी से लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको कहीं पर भी नहीं रुकना है, जल्दी से कर दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाक। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है हमारा कस्टम रूम, तो एस के सबीर बॉस उतर चुके हैं। उसके बाद अगर देवलोन की बात करें तो उनकी स्क्वाड भी उतर चुके हैं हैंगर जाने के लिए, और सबीर बॉस भी हैंगर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला इनकाउंटर हो सकता है सुनीता मैडम की स्क्वाड नहीं उतरी है, बब्बू भाई की जो स्क्वाड है वो उतर चुकी है पीक जाने के लिए, जैक भाई की स्क्वाड है वो निकल चुकी है ऑब्जर्वेटरी की, और फिर रॉयल गुरखा की एक स्क्वाड है जो शायद सेंटोसा जाएगी, फिर बी बांग्लादेश आर्मी की जो एक स्क्वाड है वो जा रही है शायद मील, फिर अगर नेप्रोस की बात करें तो उनकी स्क्वाड जा रही है पीक, दो स्क्वाड है उनकी, दोनों की दोनों पीक जा रही है, और अगर ब्यूटीज की बात करें तो वो पचीनोक जा रहे हैं। और यहाँ पर राकेश चौपल 07 ने फाइट ले लिया भाई साहब, शुरू हो चुका है यहाँ पर कार्यक्रम। तो सनम बॉस और राकेश चौपल 07 ने यहाँ पर फाइट ले ली है और शुरू हो चुका है यहाँ पर सबसे बड़ा एनकाउंटर। तो जो भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, वेलकम टू द सीन। जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से कर दो, जल्दी से कर दो, डोंट स्टॉप, कर दो फटाक से, जल्दी से कर दो। तो जितने भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, वेलकम टू द सीम। जी लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से कर दो। और यहाँ पर सनम बॉस ने एक बंदे को मार दिया है, तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है। सबीर भाई की बात करें तो वो लोग रिमनाम विलेज में है, अगर देवलॉन और हॉक की बात करें तो वो लोग हैंगर के ऊपर है, तो देवलॉन जो है वो रिमनाम विलेज की ओर जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वहां पर यस बॉस है। सुनीता मैडम की जो स्क्वाड है वो पूरी की पूरी निकल चुकी है रिवर साइड जाने के लिए ली के साथ, जो कि है टीम लावा में। ओके ओके, फिर अगर शेखर भाई की बात करें तो वो लोग, ओ भाई साहब ये क्या है, शेखर भाई अकेले पहुंच चुके हैं सेंटोसा, और बब्बू भाई, मोंटी भाई और यस भाई पहुंच चुके हैं पीको के, तो इनका नेट लफड़े कर गया, समझ गया। फिर जैक भाई और राकेश भाई की स्क्वाड की बात करें तो वो ऑब्जर्वेटरी के ऊपर है, रॉयल गुरखा की एक स्क्वाड है यहाँ पर सेंटोसा, तो यहाँ पर हमारे बब्बू भाई, सॉरी शेखर भाई जो है उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ओके, तो वो पीछे है तो उनको टेंशन ना है। तो यहाँ पर ओके, तो चारों के चारों बंदे काफी अलग अलग है तो टेंशन ना है, कोई टेंशन ना है। उसके बाद अगर बात की जाए बांग्लादेश आर्मी की तो वो लोग हैं मील के ऊपर डोमिनेंस दिखाते हुए, फिर अगर मॉकिंग बर्ड की बात की जाए मतलब कि नेप्रोस की दूसरी स्क्वाड तो वो लोग है कोटा टुआ के ऊपर, फिर अगर नेप्रोस की एक और गिल्ड की बात की जाए तो वो लोग है रिमनाम विलेज और सॉरी कोटा टुआ के ऊपर पीक के ऊपर, तो यहाँ पर नेप्रोस की दोनों स्क्वाड सामने सामने आ सकती है। पोचिनोक की बात की जाए तो यहाँ पर ब्यूटीज की जो स्क्वाड है वो है पोचिनोक के ऊपर, और TSG की जो स्क्वाड है वो अभी जा रही है मील से नीचे, तो अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देवलोन का यहाँ पर एनकाउंटर हो चुका है, तो देखते हैं कि देवलोन किस तरह से हैंडल करते सिचुएशन को। हाँ, ठीक है। तो भाई जो भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाक से कर दो, जल्दी से कर दो, जस्ट डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, जल्दी से कर दो। तो क्या लगता है भाई साहब, देवलॉन की जो स्क्वाड है उनकी जो फाइट है वो हुई है एसके सबीर बॉस के साथ, तो रवि भाई अकेले बचे हैं और उनके सामने देवलॉन है, रवि वर्सेस देवलॉन, एक नंबर टीम कर दी है, रवि भाई निकल चुके हैं यहाँ से, तो सबीर भाई की टीम को खत्म कर दिया गया है। और ये देवलॉन को डाउन किया, पूरे खा जाएंगे देवलॉन को पक्का, जी हाँ देवलॉन को पूरा खा चुके हैं ये, और ये रवि भाई खत्म। तो हॉकाई के बंदे खत्म कर गए सबको, क्या बात है। फिर बात करते हैं हम सुनीता मैडम की स्क्वाड की और, तो वो लोग है अभी शिपयार्ड के ऊपर। TSG की स्क्वाड की बात की जाए तो वो कैप टाउन में काफी सेफ खेल रहे हैं, तो TSG एजेंट, TSG जश लेजेंड और TSG। ओके, तो यहाँ पर एक बंदे को डाउन कर दिया है TSG ऋतिक ने, एंड वो सी लेक्सी कौन था, हरक्यूलस था। ओके, तो उनके सामने है हरक्यूलस, तो कौन सी स्क्वाड है जिसका हरक्यूलस है देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने जो है वो इनकाउंटर काफी तगड़ा है कोटा टू और पोचिनोक के बीच में। फिर अगर बात करें बॉस की स्क्वाड की तो राकेश चौपल 07 जो है
वो अपने स्कॉर के साथ खेल रहे हैं और वो भी सीपीआर पर है। तो यहाँ पर राकेश भाई की जो एनकाउंटर है वो सुनीता मैडम की स्कॉर के साथ हो सकती है। तो राकेश चौपल 07 वर्सेस सुनीता, लेट्स गो गाइस, क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पर? तो काफी तगड़ा एनकाउंटर यहाँ पर हो सकता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो जितने भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, वेलकम टू द स्ट्रीम। जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से करो और वॉचिंग बढ़ाओ मेरे भाइयों। और यहाँ पर ली को हेडशॉट मार दिया है राकेश चौपल 07 ने। अब देखते हैं कि सुनीता क्या करती है वहां से। तो ली को यहाँ पर मार दिया गया है और पूरी की पूरी स्कोर बैक कर दी गई है। उनकी सबसे तगड़ी प्लेयर ली, जो कि एक नंबर के हेडशॉट लेती है, उनको पीछे से भर दिया गया है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस उनके लिए। और अब राकेश भाई की जो स्कोर है सनम बॉस के साथ, वो पूरी की पूरी पुश कर रही है सुनीता मैडम की स्कोर की ओर। और सुनीता मैडम की स्कोर है वो भी पूरी की पूरी पीछे से निकलने के मूड में। चुलबुल जो है वो बैठे हैं काउंट कंटेनर के अंदर और वो काफी सेफ खेल रहे हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, जल्दी से लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, किसी को भी कहीं पर भी नहीं रुकना है। बहुत बड़ा इनकाउंटर है और टीएसजी आर्मी को पता है कि पहला जोन है वो इतना कट करता नहीं है, तो बिंदास खेल सकते हैं अपन, कोई टेंशन ना है। तो टीएसजी ऋतिक और टीएसजी जश सब अपनी पोजीशन लेके बैठे हैं और उनके सामने जो है वो रॉयल दुर्खा की। ओ तो यहाँ पर एनकाउंटर शुरू है। तमेश्वर को बहुत तगड़ा फायरिंग का सामना करना पड़ा यहाँ पर सेफ जोन के अंदर। और यहाँ पर टीएसजी जश को डाउन कर दिया है भाई साहब और पूरा खत्म करेंगे, सॉरी टीएसजी ऋतिक को पूरा खत्म करेंगे यहाँ पर एक सेम कपड़े। ओके तो यहाँ पर जश निकल चुके हैं, लेजेंड को भी डाउन कर दिया गया है, एजेंट है वो तो कवर दे रहे गए, एजेंट ने मारा है यहाँ पर और खत्म भाई साहब, क्या बात है। टीएसजी एजेंट ने पूरी की पूरी नेप्रोस की टीम को साफ कर दिया, एक नंबर गेम के बैठे हैं। फिर अगर सनम बॉस की स्कोर की बात करें, राकेश भाई की स्कोर है वो यहाँ पर है और रॉयल गुर्खा की स्कोर है वो है कोटा टुआ के पीछे। बांग्लादेश आर्मी की बात करें तो वो लोग है क्लॉक टावर के आसपास। और अगर यहाँ पर ओके तो यहाँ पर रॉयल गुर्खा सॉरी नेप्रोस की स्कोर है और उनके सामने है राकेश चौपल 07 की स्कोर। देख लीजिए बेग्रोसन जो है, हाँ ओके तो उनको डाउन कर दिया गया है और ये सामने 99% है उनके अरुण बॉस राकेश चौपल 07 सनम भाई। ओके तो सनम भाई ने डाउन कर दिया इनको और पूरा भरे क्या बैग्रोसन को पूरा खत्म कर दिया है यहाँ पर सनम भाई ने। तो अब उनके दो बंदे बाकी है, ड्रॉग्स और एरर। तो एरर पीछे है और आई डोंट नो ये क्या दिख रहा है मैप के ऊपर, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन मैन। एरर है ओके तो उनको पता नहीं है कि सुनीता मैडम की स्क्वाड यहाँ पर है और सुनीता मैडम की स्क्वाड ने एरर को शायद देख लिया या नहीं देखा, आई डोंट नो। ओके तो ये लोग पूरा मील के पीछे से निकल रहे हैं, पूरा मील के पीछे से निकल रहे हैं। और वेंजेटा और महाय और बांग्लादेश की स्कोर, अगर ड्रॉक्स की बात करें तो ड्रॉक्स और एरर एक्स दोनों निकल चुके हैं। तो स्कोर काफी फास्ट फास्ट में, मगर ओके तो यहाँ पर फाइट हो चुकी है ब्यूटीज की स्कोर की और दीपा मैडम को पड़ी है आई डोंट नो कहीं से। ओके तो यहाँ पर बदनाम रानी भाई साहब क्या नाम है लोल, फिर बात कर रहे ऋतु मैडम की। तो ये सबके सब बहुत ही, ये सब के सब गर्ल्स प्लेयर है और काफी तगड़ा खेलते हैं, मगर अब देखते हैं कि क्या होता है। तो टीएसजी जश और टीएसजी एजेंट दोनों बच्चे जो कि सेफ जोन में सेफली पहुंच चुके हैं और अब ये लोग गाड़ी लेके ही अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हॉक के बंदे और तो ऋतु मैडम ने वेंजेटा को मार दिया है, क्या बात है, एक नंबर गेम प्ले इन लोगों का। तो यहाँ पर ग्लू वॉल डाल के बचा लिया है उनको और पूरी की पूरी जो टीम है वो आराम से रीग्रुप कर रही है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन किस तरह से मारता है, ग्लू वॉल डाल दी गई है और सामने कौन बचा है वो देखना पड़ेगा, एक ही बंदा बचा है शायद। ओके तो माने भाई अकेले बचे हैं जो कि यहाँ पर पत्थर के पीछे कवर ले रहे हैं और उनके सामने ब्यूटीज की पूरी स्कोर है। आई डोंट नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन बट इनके पास जो है वो है इनक्यूबेटर वाली स्कार। तो ये डेंजरस चीज है और ये पीछे से फायरिंग हुआ, सैंडविच होने के चांसेस इनके ज्यादा है और उन्होंने मारा यहाँ पर, काफी तगड़ा फायरिंग था ये, हायर एक्यूरेसी वाला फायरिंग था। और एक नंबर हेडशॉट, एक और हेडशॉट और पीछे से उनको खत्म कर दिया है बदनाम रानी ने, क्या टीम वर्क है भाई साहब, ब्यूटीज रॉक्स ही है। तो दो लड़कियां डाउन थी मगर फिर भी एक नंबर गेम प्ले इन्होंने दिखाया और बदनाम रानी ने पीछे से जाके भर दिया, बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पर, अच्छा सा फ्लैंक करने में आया था और सब्सक्राइब करना है। देखते हैं ब्यूटीज की पूरी स्क्वाड जिंदा है, दिस इज अ बिग फैक्टर, सच में मैं बता रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर नेप्रोस के बंदों ने फाइट ले ली है और सामने कौन सी टीम है मुझे पता नहीं है मगर काफी तगड़ी फाइट है। और ओके तो आई एम डैम श्योर उनके सामने बांग्लादेश आर्मी, जी हाँ। तो बीडी आर्मी 71 के बंदे जो है वो यहाँ पर फाइट ले रहे हैं नेप्रोस के बंदों के सामने। तो यहाँ पर नेपाल वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है। ओके तो फाइट काफी अच्छा कवर लेके बैठे, हेड पड़ेगा उनको, जी हाँ
आशीष भाई ने एक नंबर हेड मारा है यहाँ पर, परसिस और लस्टी पायरेट। ओके तो ये लोग अच्छे से बैठे हैं पोजीशन जमा के। तो यहाँ पर राकेश भाई की जो है वो फाइट हो चुकी है और उनकी फाइट किन के सामने हुई है वो देखना पड़ेगा। शायद उनकी फाइट जो है वो हुई है ब्यूटीज के सामने। जी हाँ, उनके सामने है ब्यूटीज और बचना नामुमकिन है। सामने वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ द फ्री फायर है। जी हाँ, बोला था ना, दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ फ्री फायर। तो यहाँ पर अच्छा स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज यूज करते हुए। ओके तो सुनीता मैडम की स्क्वाड पीछे से आ चुकी है और उन्होंने रितु मैडम को मार दिया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ओ नो एनकाउंटर। यहाँ पे एक ग्रेनेड आया और अब हम सुनीता मैडम की साइड से देखें तो उनको पता है कि एक लड़की वहां पर है कि नहीं। और सनम भाई ने मारा है, उनको डाउन कर दिया है, रैक्स को खत्म है। और ये सुनीता मैडम यहाँ पर लेके आई और ओ बहुत नंबर बदनाम रानी को खत्म किया। बॉस ब्यूटीज की स्क्वाड को पूरा खत्म करते हुए एक नंबर गेम प्ले यहाँ पर सुनीता मैडम के द्वारा। मगर उनको पता नहीं है कि पीछे से राकेश चौपल 07 आ रहा है और यहाँ पर सनम भाई ओ खत्म, एक बंदे को डाउन कर दिया है, पूरा भरेंगे इनको। जी हाँ, अरुण को पूरा भर दिया इन्होंने और सनम बॉस ने सुनीता मैडम को खत्म कर दिया। एक नंबर गेम प्ले यहाँ पर काफी तगड़ा। तो भाई जो भी लोग देख रहे हो जल्दी से लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाक से कर दो इसे स्ट्रीम को शेयर करो। जैसे ही 5K वॉचिंग पहुंचती है आपको तुरंत ही कोड मिलने वाला है और वो कोड आपको रिडीम करना है ff.reward.garena.com पे जाके। जैसे आपने वो फाइनल के दिन किया था उसी तरह से आपको यहीं पर भी, यहाँ पर भी कोड मिलने वाला है और उसमें से आपको मिलने वाले हैं लेजेंडरी गन क्रेट्स। ठीक है, लेजेंडरी गन क्रेट्स मिलने वाले हैं। एक कोड में कम से कम 3 से 5 गन क्रेट्स होंगे तो आपको कोड मिलेंगे लाइव में। तो 5K वॉचिंग अगर पहुंच जाती है तो तुरंत ही आपको लाइव में मिल जाएंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हो सबका स्वागत है, वेलकम टू द सीम। और धीरे धीरे जो जोन है वो छोटा होता जा रहा है। बांग्लादेश आर्मी के बंदे हैं और हॉट शॉट भाई ओम चला रहे हैं। दिस इज माई पर्सनल पिक, आई लव द ओम। तो देखते हैं कि ओके तो यहाँ पीछे से फायरिंग हुआ है हॉट शॉट के ऊपर और बॉस जैक भाई साहब TSG एजेंट हमारे जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी टीम की पोजीशन सेट कर रहा है। बांग्लादेश आर्मी के दो बंदे पीछे और जैक TSG के एजेंट का उनके साथ एनकाउंटर हो सकता है क्योंकि वो सामने से आ रहे हैं। तो अगर राकेश भाई की स्क्वाड की बात करें तो सनम भाई अभी जो है वो बांग्लादेश आर्मी के बंदों के सामने फाइट ले रहे हैं और मेक श्योर कि वो किस तरह से करते हैं। और यहाँ पर काफी अच्छा 187 का हेडशॉट, एक नंबर बैटिंग यहाँ पर और सनम भाई ने खत्म कर दिया है बांग्लादेश आर्मी के हॉट शॉट 11 को। अब हॉट शॉट 33 आ रहा है भाई साहब, उन्होंने एल शेप में अपनी जगह बना लिया मगर उनको पता नहीं है कि पीछे से TSG एजेंट जो है वो उनकी वेट करते हुए बैठे हैं। ओके तो एजेंट ने शायद उनको देख लिया कि नहीं। ओके तो इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है तो बांग्लादेश वर्सेस TSG हो चुका है यहाँ पर। और पीछे से जो है वो राकेश भाई की स्क्वाड आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लस्टी पायरेट जिंदा है भाई साहब। ये लोग कितना एक नंबर खेले। ओके तो यहाँ पर जैक भाई ने फाइट ले ली है और उनको टावर में नहीं पहुंचने देंगे। काफी अच्छी फाइट थी और जो राकेश भाई की स्क्वाड है उन्होंने अपना जो कंसंट्रेशन है वो आगे से हटा के पीछे ले लिया क्योंकि उनको पता है कि पीछे 3 बंदे अलाइव हुए जबकि आगे एक एक है। ओके तो एक नंबर हेडशॉट यहाँ पर सनम भाई के द्वारा और ड्यूल लगाई है सामने सामने लस्टी पायरेट। ओ डबल हेडशॉट और बंदा डाउन है, क्या बात है। एक नंबर गेम प्ले यहाँ पर और अकेला बंदा बाकी है और स्क्वाड खत्म और अब सिर्फ बाकी है हॉट शॉट और TSG एजेंट। तो TSG एजेंट ने, अच्छा हॉट शॉट ने TSG एजेंट को खत्म कर दिया है। अब 3 vs 1 है, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। ओ भाई साहब खत्म एंड राकेश भाई ने झंडे गाड़ दिए, एक नंबर क्या बात। यहां पर पहली मैच इंडिया भी और काफी तगड़ा गेम प्ले, बहुत मजा आया यहां पर। तो भाई जो भी लोग देख रहे हो जल्दी से लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाक से करो।